just decided that okay, let's do it now. I don't know if this is gonna really happen. Maybe it won't happen. This is it. वर्ल्ड कप भी शुरू होने से ठीक पहले हार्दिक पांड्या के लिए काफी बुरी खबर निकल कर आई है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या और उनके साथ ही उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोवी के बीच में हमें डाइवोर्स देखने को मिल चुका है। न सिर्फ इनके बीच में हमें डाइवोर्स देखने को मिला है, बल्कि इसके साथ ही हार्दिक पांड्या की जितनी भी संपत्ति है उसका 70% यानी कि 70% हिस्सा नताशा को दिया जाएगा। इस डाइवोर्स की खबरें आने के बाद नताशा को सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था और फाइनली इससे रिलेटेड उन्होंने खुलकर बातचीत की है। नताशा ने बताया है कि हार्दिक पांड्या के ऊपर उन्होंने इस तरीके का केस इसीलिए किया है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया था और उन रूल्स के सेट के हिसाब से हार्दिक पांड्या के ऊपर 50% डाइवोर्स के बाद जो रेट लगाया जाता है उससे 20% ज्यादा यानी कि 70% इनका जितना भी पैसा है और जितनी भी वैल्यू है वो सारी नताशा को ट्रांसफर कर दी जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना हार्दिक पांड्या के डाइवोर्स के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है।